Hello dear friends, this is your master teacher As I have discussed question number 1, 2, 3, 4, 5 with you in the last video that was related to exercise 7B. So today in this video, I will tell how to solve the question number 6, 7, 8, 9, 10 and further questions. So have a look on a screen. एक्सरसाइज सेवन बी क्वेश्चन नंबर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेवन से ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स आप खुद से ट्राई कर लेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन में बोला गया था स्क्वायर ऑफ ग्रेटर ऑफ टू कॉन्जीगेटिव इवन नंबर द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर बाई थर्टी सिक्स फाइंड द नंबर्स नंबर चांद का क्वेश्चन नंबर सेवन है द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर ऑफ टू कॉन्जीगटिव इवन नंबर तो सबसे पहले लेट डी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी टू एक्स कॉमर टू एक्स प्लस टू ओके क्वेश्चन में बोला गया द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द स्क्वायर ऑफ़ द ग्रेटर ऑफ टू कॉन्जीगटिव इवेंट नंबर्स यानी कि ग्रेटर तो ग्रेटर इसमें टू एक्स और टू टू एक्स प्लस टू विच वन इज ग्रेटर टू एक्स प्लस टू सो टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बोला गया है द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर ऑफ टू कॉन्जीगटिव इवेंट नंबर एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ दर बाई थर्टी सिक्स यानी स्मॉलर जो है उसका स्क्वायर से कितना एक्सीड्स करता है थर्टी सिक्स तो माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर लिख लेंगे और ये कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स नाउ इट बाई यूजिंग द आइडेंटि ऑफ होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी सो दिस विल बी फोर एक्स स्क्वायर एंड टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर दिस विल बी मीन्स टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस माइनस टू टूजा फोर टूजा एट प्लस टू का स्क्वायर कितना होगा फोर दिस विल बी थर्टी सिक्स एट एक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस होगा थर्टी टू और एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा थर्टी टू मल्टीप्लाई गोज इन टू डिड सो दिस विल बी एट फोर या थर्टी टू सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई फोर आपको क्या फाइंड करना था फाइंड द नंबर्स तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स तो एक कौन सा है टू एक्स टू इंटू एक्स की जगह पे फोर टू एट जा टू फोर जा एट एंड नेक्स्ट टू एक्स प्लस टू दिस विल बी टू इन टू फोर प्लस टू इज इक्वल टू टू फोर जा एट टू टेन तो आंसर देखिए कितना हो गया एट एंड टेन तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या है एट एंड टेन ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एट देखिए क्वेश्चन नंबर एट में बोला गया डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज थ्री मोर देन द नोमिनेटर इफ़ फाइव इज एडेड टू द बोथ पार्ट द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज इक्व बैलेंट टू फोर अपॉन फाइव फाइंड द फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर एट की पहले लैंग्वेज अच्छे से समझिए उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज थ्री मोर देन द नोमिनेटर तो आपको पता है जितने भी फ्रैक्शन होते हैं जितने भी फ्रैक्शन होते हैं फ्रैक्शन जो होते हैं हमेशा नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं तो यहाँ पे बोला है डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज थ्री मोर देन दोमिनेटर यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से थ्री मोर है तो देखिए लेट दी दुमरेटर बी एक्स मान लेता हूं कि नोमिनेटर जो है वो एक्स है सो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बोला गया है डिनोमीटर जो है द डिनोमीटर ऑफ फ्रैक्शन इज मोर तो यानी कि क्या होगा एक्स प्लस अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब फ्रैक्शन क्या होता है फ्रैक्शन होता है नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्लियर अब क्या आगे बोला है स्टेटमेंट इफ फाइव इज एडेड टू द बोथ पार्ट बोथ पार्ट मीन्स इफ बी आर एडिंग फाइव इन बोथ पार्ट बोथ पार्ट मीन्स नोमिटर एंड डिनोमिनेटर में तो दोनों में ऐड किया तो इट बोथ पार्ट द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज इक्वी वैलेंट टू यानी कि जो आ रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा फोर अपॉन फाइव के नाव वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस एट इज इक्वल टू फोर अपॉन फाइव ना क्रॉस मल्टीप्लाई दिस विल बी फाइव एक्स फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फोर एक्स फोर एट जा थर्टी टू फाइव एक्स माइनस फोर एक्स प्लस का इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा ये प्लस का इस साइड होगा

क्वेश्चन नंबर एट ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइन देख लीजिए एक बार खुद से सॉल्व आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन और जूम क्लास पे मैं क्वेश्चन नंबर नाइन एक्सप्लेन कर चुका हूं ठीक है तो जो भी स्टूडेंट जूम क्लास नहीं ले रहे हैं तो जूम क्लास पे आने की कोशिश करें ओके स्टूडेंट्स चलिए क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर टेन देखिए क्वेश्चन नंबर टेन कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन में बोला गया था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज सेवन देखिए क्या लिखोगे द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज सेवन द नंबर ऑफ टेंट बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट द ओरिजिनल नंबर बाई ट्वेंटी सेवन फाइंड द नंबर क्वेश्चन देख लिया आप सभी ने चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखिए द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज सेवन यानी कि कोई भी जो सम होता है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टू डिजिट नंबर क्या होते हैं तो सबसे पहले आप नोट में लिखेंगे टू डिजिट नंबर तो वो होता है फॉर्मेट टेन ए प्लस बी में ओके इसी तरीके से जब आप लिखेंगे तो थ्री डिजिट नंबर इसको आप नोट कर लेंगे ओके स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा हंड्रेड ए प्लस टेन बी एंड सी यहाँ पे टेन ए प्लस भी था और ये हंड्रेड ए प्लस टेन बी प्लस सी ये टू डिजिट नंबर होता क्या पहले समझ लेते हैं थोड़ा जैसे मान लीजिए ट्वेंटी थ्री ए तो ये क्या लिखा है ये ऐसे ही तो लिखा होगा ट्वेंटी प्लस थ्री या इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो टेन इंटू टू प्लस थ्री तो लिखा होगा तो देखिए क्या लिखा है टेन ए प्लस थ्री ए की फॉर्म में ही तो लिखा हुआ है मीन सॉरी ये बी हो जाएगा यहाँ पे तो टेन ए बी की फॉर्म में लिखा है तो वही ये टू डिजिट नंबर लिखा हुआ है ऐसे आप थ्री डिजिट कर लेंगे तो उसको चेक कर लेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स

दी लेट दी यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट बी एक्स मान लेता हूँ कि यूनिट डिजिट क्या है एक्स है तो अगर यूनिट डिजिट एक्स है और आपसे बोला है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज सेवन तो अगर एक एक्स डिजिट है तो दूसरी क्या होगी दोनों का सम की बेन है तो वो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी ठीक है एंड टेंस डिजिट टेंस डिजिट टेंस डिजिट क्या हो जाएगी सेवन माइनस एक्स ओके स्टूडेंट क्योंकि दोनों डिजिट का जो सम है वो सेवन है तो अगर हमने यूनिट डिजिट को एक्स माना तो दूसरी डिजिट क्या होगी सेवन माइनस एक्स नौ कॉम द क्वेश्चन द नंबर ऑप्टेंट बाई इंटर चेंजिंग द डिजिट द ओरिजिनल नंबर बाई ट्वेंटी सेवन अब जो नंबर ऑपटेंट होता है तो नंबर आपको कौन सा मिलेगा अब देखो मेरी एक बात ध्यान से आप सभी समझेंगे सेवन माइनस एक्स और एक्स दोनों में आपको ध्यान रखना है कि ग्रेटर कौन सा होगा तो सेवन माइनस एक्स या एक्स होगा ठीक है तो टेंथ डिजिट ही होगी तो सॉल्व करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन टू डिजिट नंबर क्या होता है तो सबसे पहले बना लेते हैं टू डिजिट नंबर और ये टू डिजिट नंबर हो जाएगा टेन ए प्लस बी तो टेन ए की जगह पर मैंने लिया है सेवन माइनस एक्स और ये बी की जगह पे हो जाएगा एक्स ओके स्टूडेंट नो कॉमन द क्वेश्चन बोला गया द नंबर ऑपटेंट बाई इंटर चेंजिंग द डिजिट डिजिट एक्सिट्स दिजिनल नंबर बाई ट्वेंटी सेवन तो देखिए टेन सेवन माइनस एक्स प्लस एक्स अब क्या किया गया है कि जब डिजिट को इंटरचेंज किया गया है डिजिट को क्या किया गया इंटरचेंज तो जब इंटरचेंज किया गया तो डिजिट कैसे इंटरचेंज होगी ये टेन एक्स हो जाएगा यानी एक्स यहाँ पे आ जाएगा और ये सेवन माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है तो कितना एक्स हो जाता है ट्वेंटी सेवन सॉल्व कर लेते हैं इसको देखिए टेन सेवन या सेवेंटी और ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सेवन माइनस एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन सेव ये हो जाएगा सेवेंटी माइनस नाइन एक्स और इस ये हो जाएगा ब्रैकेट में टेन एक्स और ये हो जाएगा नाइन एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन सेवेंटी माइनस नाइन एक्स माइनस नाइन एक्स माइनस सेवन माइनस से ब्रैकेट ओपन कर लिया ट्वेंटी सेवन नाइन एक्स नाइन एक्स विल बी एटीन एक्स माइनस का हो गया सेवेंटी माइनस सेवन तो क्या हो जाएगा सिक्सटी थ्री इज इक्ल टू ट्वेंटी सेवन माइनस एटीन एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन ये प्लस का इस साइड होगा तो माइनस और देखिए थर्टीन माइनस सेवन सिक्स थर्टीन माइनस सेवन सिक्स और ये कितना हो जाएगा टू सॉरी थ्री हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा फाइव uh, और ये हो जाएगा एटीन एक्स माइनस का आएगा और ये भी माइनस सो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा थर्टी सिक्स अपॉन एटीन माइनस के दोनों एटीन टू जा सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया टू एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली हम लोगों ने टू लिखेंगे सो यूनिट डिजिट अब यूनिट डिजिट हमने क्या ली है तो टू हो जाएगी क्योंकि उसको एक्स लिया था और टेंस डिजिट क्या हो जाएगी टेंस डिजिट तो टेंस डिजिट क्या है सेवन माइनस एक्स और सेवन माइनस रखेंगे टू तो ये हो जाएगा फाइव अब देखिए नंबर को आप इंटरचेंज करेंगे तो आंसर टू होंगे इसके तो टू सॉरी लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है टेन सेवन माइनस एक्स प्लस एक्स ओके वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें सेवन माइनस एक्स की वैल्यू टू है और यहाँ पे रखेंगे तो ये टू हो जाएगी तो आंसर हो जाएगा टेन इंटू फाइव प्लस टू इज इक्वल टू फिफ्टी टू क्लियर हो गया और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था समू डिजिट सॉरी सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज सेवन तो देखिए फाइव टू का सम कितना आ रहा है सेवन आ रहा है या इसका दूसरा आंसर अगर हम लिखना चाहें डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो आंसर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव क्लियर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन बोला गया है सुषमा इज नाउ सुषमा इज नाउ फिफ्टीन ईयर्स ओल्डर दैन बिजे और क्वेश्चन इज इन इन फ्रंट ऑफ यू संजे इज नाओ सॉरी सुषमा इज़ नाउ फिफ्टीन ईयर्स ओल्डर दैन बिजे बट इन थ्री मोर इयर्स विल बी एट टाइम्स एज ओल्ड एज विजे वाज थ्री ईयर्स एगो हाउ आर दे नाउ यानी कि अब उनकी एज क्या है तो बुक सभी रोक रख लेंगे और क्वेश्चन देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन कह रहा है सुषमा इज़ नाउ फिफ्टीन इयर्स ओल्डर देन विजय तो एज मान लेते हैं लेट दी एज ऑफ विजय बी एक्स यानी कि जो विजय है उसकी एक, जो एज है मैंने मान ली एक्स अब सुषमा क्या है उससे फिफ्टीन इयर्स ओल्डर देन तो लिखेंगे एज एंड एज ऑफ सॉरी टू टाइम लिखें एज ऑफ सुषमा एज ऑफ सुषमा विल बी एक्स प्लस फिफ्टीन क्लियर है यहाँ तक अब देखिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन बोला गया वैसा स्टेटमेंट बना लेते हैं क्या बोला है सुषमा इज नाउ फिफ्टीन ईयर ओल्डर दैन विजय बट इन थ्री मोर ईयर्स सी विल बी यानी कि उसकी एज कितनी है एक्स प्लस फिफ्टीन है और क्या लिखा हुआ है बट इन थ्री मोर ईयर्स यानी कि और तीन साल अगर और होते हैं तो जो उसकी एज है वो क्या हो जाएगी ए टाइम्स एज ओल्ड एज विजय थ्री ईयर्स एगो यानी विजय क्या था विजय की एज एक्स थी और थ्री ईयर्स एगो का मतलब है माइनस थ्री करना है नाउ सॉल्व इट एक्स प्लस एटीन इज इक्वल टू एट एक्स माइनस एट थ्री या ट्वेंटी फोर एक्स प्लस का इस साइड आएगा ये माइनस हो जाएगा तो माइनस ट्वेंटी फोर प्लस का इस साइड होगा माइनस सो दिस विल बी माइनस सेवन एक्स और माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो जाएगा एट फोर ट्वेल्व कैरी वन फोर्टी टू सो वी कैन राइट इट माइनस फोर्टी टू अपॉन माइनस सेवन सेवन सिक्स जाओ तो एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा सिक्स आपसे पूछा क्या गया है पूछा गया है हाउ ओल्ड दे आर नाउ यानी कि अब उनकी एज क्या है तो लिखेंगे हैंस एज ऑफ विजय एज ऑफ विजय एक्स लिया था तो क्या हो जाएगा सिक्स ईयर्स ओके स्टूडेंट्स और सुषमा की एज तो लिखेंगे ऑफ सुषमा इज इक्वल टू तो सिक्स प्लस फिफ्टीन दिस विल बी ट्वेंटी वन ईयर्स ओके क्लियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में बोला गया संजय इज नाउ वन अपॉन टू एज ओल्ड एज हिज ब्रदर यानी जो संजय है वो अपने जो उसके भाई है उसके भाई की एज का हाफ है तो संजय इज नाउ वन अपॉन टू एज ओल्ड एज हिज़ ब्रदर तो फिर इसमें देखिए लेट द एज ऑफ सबसे पहले देखिए ये समझना है कि सबसे पहले हमको लेट क्या करना है क्योंकि किसको लेट करना है ये जरूरी है तो संजय इज नाउ वन अपॉइंट टू एज ओल्ड एज हिज ब्रदर यानी कि जो उसका ब्रदर है उसकी एज का वो हाफ है तो क्या लिखेंगे तो लेट द एज ऑफ संजेज ब्रदर संजेज ब्रदर।, संजे ब्रदर तो संजय के ब्रदर की एज मान ली मैंने बी एक्स ओके स्टूडेंट्स अब क्या कह रहे हैं संजय इज नाओ वन अपॉन टू एज ओल्ड एज इज ब्रदर एंड एज ऑफ संजय तो संजय की एज क्या हो जाएगी एक्स अपॉन टू नाओ अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन अब क्वेश्चन जैसे बोला है वैसे करते हैं इन सिक्स मोर ईयर्स सिक्स मतलब और सिक्स ईयर अगर होते हैं तो क्या लिखा है सी बिल बी सॉरी ही विल बी थ्री अपॉइंट फाइव एज ओल्ड एज हिज ब्रदर देन तो अगर एक्स यहाँ पर लिख लेते हैं और कितने ईयर हैं थ्री मोर ईयर्स सॉरी सिक्स लिखा हो यहाँ पे सिक्स मोर ईयर्स ही विल भी तो एक्स प्लस सिक्स हो जाएगा और ऐसे ही इसकी एज में क्या होगा एक्स प्लस टू और ये सिक्स अब क्या बोला गया देखिए ध्यान से समझिए इन सिक्स मोर ईयर्स ही विल बी ही बिल बी मीन्स संजय विल बी थ्री अपॉन फाइव एज ओल्ड एज इज ब्रदर और संजय यहाँ पे कौन है ये तो उसका कितना हो जाएगा थ्री अपॉन फाइव टाइम ओके अब इसको सॉल्व कर लेते हैं देखिए ये हो जाएगा थ्री अपॉन फाइव एक्स प्लस थ्री अपॉन फाइव और ये कितना हो जाएगा सिक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू प्लस सिक्स थ्री अपॉन फाइव एक्स प्लस सिक्स थ्रीजा एटीन अपॉन फाइव इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू प्लस सिक्स थ्री अपॉन फाइव एक्स माइनस एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू सिक्स माइनस एटीन अपॉन फाइव नो ओपन दी ब्रैकेट्स सॉरी इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एल सी एम देखिए क्या आएगा टेन तो ये हो जाएगा फाइव uh, टू uh, जा थ्री टू जा सिक्स एंड टू फाइव जा दिस विल भी फाइव एक्स इज इक्वल टू फाइव सिक्स जा डिनोमीटर वन कंसिडर करेंगे तो सिक्स फाइव जा कितना होगा थर्टी माइनस एटीन अपॉन फाइव एक्स अपॉन टेन इज इक्वल टू कितना ट्वेल्व अपॉन फाइव फाइव टू जा सो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा ट्वेंटी फोर एक्स की वैल्यू हो गई ट्वेंटी फोर ठीक है और एक्स किसको माना था ब्रदर को और संजय को एक्स अपॉन टू तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस इज ऑफ जे इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू और एक्स की वैल्यू देखिए क्या है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर अपॉन टू दिस विल बी ट्वेल्व इयर्स एंड हिज ब्रदर्स इज उसके ब्रदर की एज क्या हो जाएगी तो ब्रदर की एज क्या थी एक्स तो वो हो जाएगा ट्वेंटी फोर ईयर्स आई होप क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए स्टूडेंट्स देखिए अगर क्वेश्चन कोई समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप दो तीन बार रिपीट करके देखिए उसको ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन ए पहले तो एक फिगर बना हुआ है क्वेश्चन पहले मैं दिखा देता हूँ आपको देखिए ये लिखा हुआ है इफ द एरिया इज थ्री एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर मेक एन इक्वेशन एंड फाइंड एक्स ये फिगर इसका और ये क्वेश्चन ठीक है फिगर में ये एक्स माइनस फाइव है ये एट है और इफ़ द पैरीमीटर फोर्टी सेंटीमीटर मेक एन इक्वेशन एंड फाइंड एक्स सेकेंड पार्ट चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन पार्ट ए फिगर मैं बना देता हूँ आपके सामने जिससे कि क्लियर रहे आपको ये फिगर बना हुआ है रेक्टेंगल और दिस इज एक्स माइनस फाइव सेंटीमीटर दिस इज एट सेंटीमीटर ठीक है इफ़ द एरिया इज थ्री एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर मेक एन कैन इक्वेसन फाइंड एक्स तो लिखेंगे यर लेंथ लेंथ कितनी की बहन है एक्स माइनस फाइव सेंटीमीटर ओके स्टूडेंट ब्रैकेट में रख लीजिए ऐसे ब्रथ कितनी की बहन है देखिए एट सेंटीमीटर और एरिया आपको गिवन है एरिया कितना गिवन है थ्री एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और एरिया किसका है रेक्टेंगल का तो बी नो एल इंटू बी इज इक्वल टू थ्री एक्स एल कितना है यहाँ पे एक्स माइनस फाइव एंड दिस इज एट इज इक्वल टू थ्री एक्स मल्टीप्लाई कराइए एट एक्स एट फाइव जा फोर्टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री एक्स आपसे पूछा गया इक्वेशन बनने को तो इक्वेशन मैंने कौन सी बना ली ये इक्वेशन है आपकी ठीक है अब देखिए एट एक्स माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर्टी एंड दिस विल बी फाइव एक्स इज इक्वल टू फोर्टी तो ये क्वेश्चन हो गई अब आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा फोर्टी अपॉन फाइव एंड फाइव एट जा सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया एट क्लियर है सब स्टूडेंट्स को अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लें फाइंड द लेंथ तो एक्स की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे ठीक है बी पार्ट देखिए बी पार्ट में बोला गया इफ द पैरीमीटर इज फोर्टी सेंटीमीटर मैक एन इक्वेशन एंड फाइंड एक्स एज बी नो पैरीमीटर ऑफ रैक्टेंगल पैरीमीटर ऑफ रैक्टेंगल गिवेन है आपको कितना है फोर्टी सेंटीमीटर और आपको पता है पैरीमीटर क्या होता है टू एल प्लस बी इज इक्वल टू फोर्टी सेंटीमीटर इज गिवेन टू वैल्यू ऑफ एल एल देखिए कितना है एक्स माइनस फाइव बी कितना है एट है तो ये हो जाएगा फोर्टी तो ये इक्वेशन क्या बनेगी एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर्टी ओके स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ से अब इसे सॉल्व करना है तो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी और एक्स इज इक्वल टू तो हो जाएगा ट्वेंटी क्योंकि ये डिवाइड करेंगे इसको और एक्स इजक्ल टू तो प्लस का माइनस तो ये हो जाएगा सेवनटीन सो so, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई सेवनटीन क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर थर्टीन द क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए वीडियो को लास्ट एंड तक वीडियो को देखिए ठीक है मैं कई बार आपको बोलता हूँ तो वीडियो को जरूर लास्ट तक आप देखा करिए

बाउंड्री जो है वो फोर एक्स माइनस टू है इट मीन्स पैरीमीटर गिवन है ठीक है तो देखिए पेरी मीटर ऑफ रेक्टूंगुलर शेप ठीक है वो कितना गिवन है फोर एक्स माइनस टू क्लियर ये मीटर लिखा हुआ है अब देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि ये जो ट्वेंटी फाइव है वो क्या है लेंथ है तो जो गिवन है वो लिखते हैं फ्रॉम फिगर लेंथ इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव मीटर टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मीटर स्क्वायर लिखा है इट मीन्स ये इसका एरिया लिखा है टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मीटर स्क्वायर अब देखिए हमारा टारगेट क्या है एक्स आपको फाइंड करना है ठीक है तो कैसे फाइंड होगा तो एरिया तो एल इन टू बी होता है तो वहाँ से पहले हम लेंथ फाइंड कर मतलब ब्रेथ फाइंड करते हैं तो एरिया क्या होगा एल इन टू बी इज इक्वल टू टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव लेंथ कितनी की मैंने 25 ट्वेंटी फाइव बी आपको फाइंड करना है टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो दिस विल बी बी इज इक्वल टू टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी कैंसिल कर लेते हैं फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फाइव फोर जा फाइव फाइव जा फाइव नाइन जा सो बी इज इक्वल टू कितना हो गया नाइन मीटर यानी कि हमें ब्रेथ फाइंड हो गई अब देखिए ब्रेथ फाइंड है लेंथ फाइंड है और पैरीमीटर गिवेन है तो पैरीमीटर क्या होता है पैरीमीटर इज इक्वल टू होता है टू एल प्लस बी और पैरीमीटर कितना गिवन है देखिए फोर एक्स माइनस टू और टू एल की वैल्यू कितनी की है ट्वेंटी फाइव बी की वैल्यू आ गई है नाइन तो फोर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू टू और ये ट्वेंटी फाइव और फोर नाइन कितना हो जाएगा थर्टी फोर सो दिस विल बी सिक्सटी एट एंड ये फोर एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई गोज़ इन टू डिवाइड तो फोर बन जा फोर फोर सेवन जा ट्वेंटी एट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू सेवनटीन सो एक्स इज इक्वल टू सेवनटीन माइनस का इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस और सेवनटीन टू कितना होता है नाइनटीन तो आंसर क्या है एक्स की वैल्यू कितनी आई नाइनटीन क्लियर है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सॉरी uh, हाँ फिफ्टीन मधुस फ्लावर गार्डन इज नाउ ए स्क्वायर इफ सी इन लार्जेस्ट्स बाई इंक्रीजिंग द बिथ वन मीटर एंड द लेंथ थ्री मीटर द एरिया विल बी नाइनटीन स्क्वायर मीटर मोर देन द प्रजेंट एरिया वट इज़ द लेंथ ऑफ साइड नाउ तो मान लेता हूँ कि ये स्क्वायर है ठीक है और स्क्वायर की साइड मान लेते हैं कि ये एक्स होगी तो इंक्रीज किया गया तो जब इंक्रीज़ करेंगे तो इंक्रीज से क्या करना पड़ेगा सप्टेट करेंगे तभी तो नाइनटीन मिलेगा तो देखिए लेट द लेंथ ऑफ़ स्क्वायर बी एक्स अब स्क्वायर एक्स है तो अब इंक्रीजिंग तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको इंक्रीज करेंगे तो एक्स प्लस वन हो जाएगा और ये एक्स प्लस थ्री क्योंकि रेक्टेंगल की फॉर्म है और रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इन टू बी माइनस एक्स इंटू एक्स उसके स्क्वायर के एरिया को जब सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा द एरिया विल बी नाइनटीन स्क्वायर मीटर मोर देन द प्रेजेंट तो प्रेजेंट एरिया से नाइन्टीन ज़्यादा होगा तो नाइनटीन मीटर स्क्वायर नाउ सॉल्व इट एक्स स्क्वायर दिस विल बी थ्री एक्स एंड ये हो जाएगा वन एक्स और ये थ्री से ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइनटीन एक्स स्क्वायर कैंसिल ये हो जाएगा फोर एक्स इज इक्वल टू नाइनटीन ये प्लस का इस साइड आएगा माइनस सो दिस विल बी फोर एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन एंड एक्स इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन फोर 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 जा सिक्सटीन तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई फोर ओके स्टूडेंट आपसे पूछा क्या गया था वट इज़ द लेंथ ऑफ साइड नाउ तो लेंथ क्या हो जाएगी देखिए लेंथ क्या होगी एक्स की वैल्यू फोर है और लेंथ आपको तो डायरेक्ट एक्स दे रखा है अगर आपसे पूछा व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड नाउ तो साइड किसकी स्क्वायर की थी एक्स तो वो फोर हो गई आप चाहें तो इसकी रेक्टेंगल की भी साइड निकाल सकते हैं कैसे एक्स प्लस वन तो ये हो जाएगा फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव और एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन और किस में आंसर आएंगे फाइव मीटर एंड सेवन मीटर ओके स्टूडेंट so we have completed up to question number 15 and in next video i will explain from question number 16 thank you for watching like and share with your friends thank you students